नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार। और जैसा कि आप आज देख रहे हैं कि आज मेरे साथ में हैं पापा जी, और हम इनके रिटायरमेंट पर एक विशेष शो लेकर आ रहे हैं आप सभी के साथ, जिसका नाम है द बिग डैडी शो। और ये इसका एपिसोड 1 है। इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि ये शो क्या है, क्यों है, और ये कितना लंबा चलेगा, कितने इसमें एपिसोड होंगे। तो एपिसोड आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितना चाहते हैं, लेकिन हम एक ऐसी जर्नी आपके साथ में शेयर कर रहे हैं जो आज से करीबन 25-30 साल पहले मैंने उसको देखना, उसको समझना स्टार्ट किया। और मैं, अगर मेरी जो समझ है उससे अगर मैं देखूं, तो वो ये है कि मैं आज ये बिग डैडी का जो नाम है वो क्यों रखा है, क्योंकि इनकी वजह से मुझे बहुत सारे गिफ्ट मिले हैं मेरे जीवन के अंदर। मैं ऐसे बोल सकते हैं कि जो एक इंसान फर्श से अर्श तक अगर पहुंचा है, अगर वो मैं इंसान हूं, तो उसके पीछे इनका बहुत ही ज्यादा एक योगदान रहता है। और हम इन एपिसोड में वो सारे योगदान कवर करना चाहते हैं। आज इस पहले एपिसोड के माध्यम से हम आपसे शेयर करना चाहते हैं कि मेरे जीवन की जो एक शुरुआत थी, जिसके अंदर एक ऐसा घर था जिस घर के अंदर लाइट नहीं थी, और वो जो घर है वो 7 SGR के नाम से एक छोटा सा एक ऐसा गांव था जहां से मेरे जीवन की शुरुआत हुई, मैंने समझ पकड़ी। तो मैं उसकी जो कहानी है वो पापा जी के द्वारा मैं चाहता हूं कि उसके बारे में आप बताएं, और साथ में ये जो एपिसोड हम आज शुरू कर रहे हैं इसके बारे में भी आप 2 शब्दों में हमारी जो ऑडियंस है उससे आप मुखातिब हुए। धन्यवाद। सबसे पहले ऑडियंस का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप मुझे सुन रहे हैं। जैसा सुरेश ने बताया कि बिना लाइट का घर 7 SGR में, सबसे मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी अजीतपुरा में 3/4/89 को। वहाँ से मैंने ट्रांसफ़र हुआ मेरा संगर, तो संगर में मैंने सोचा अभी मेरा छोटा भाई है उसको पढ़ाना था। तो मैंने पिताजी को कहा इसको आप पढ़ाइए, इसको बीच में पढ़ाई छुड़वा दी आपने। तो पिताजी बोले भी खेती कौन करेगा, मैंने कहा भी खेती में, इसलिए मैंने 7 SGR में एक कच्चा 2 मकान का घर बनाया और वहीं से मैं संगर अप डाउन करता था, और वहाँ जो 23 बीघा ज़मीन थी उसकी मैं काश्त किया करता था। और सन ये 90 की बात है, मैंने 7/7/1990 को संगर में गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल में ज्वाइन किया था। तब वहाँ लाइट नहीं थी, क्योंकि लाइट बहुत ही कम थी, स्कूलों में भी नहीं हुआ करती थी, तो गांव में भी बहुत कम थी। तो उसी समय 24/9/1990 का सुरेश का जन्म हुआ। तो जब जन्म हुआ तो वहीं इसका पालन पोषण हुआ, वहीं ये थोड़ा बड़ा हुआ, तीसरी चौथी पांचवी क्लास में, वहीं 7 SGR में। 7 और 5 SGR दोनों इकट्ठे हैं आबादी। तो 5 SGR में एक स्कूल था आदराम जी, तो आदराम जी के पास मैंने इसको पहली क्लास में एडमिशन दिलवाया और कक्षा 4-5 तक ये वहीं अध्ययन रहा। और तो देखो वो तो समय की बात है कि उसमें लाइट नहीं हुआ करती थी, तो बिना लाइट ही सब कुछ था। लाइट क्या, सब्जी भी नहीं होती थी, इंटर एरिया था, कोई जाने आने का साधन नहीं था। उधर से यदि हम सूरतगढ़ साइड में आते तो राजकनाल पर आकर के चढ़ना पड़ता था बस पर, कितने किलोमीटर? और वहाँ से कम ये मान के चलो अभी 15-16 किलोमीटर रास्ता था। और वहाँ से यदि हम थराजवाड़ा आते तो वो 5 किलोमीटर था। और वो पूरा हाँ पूरा रास्ता पैदल। हाँ पैदल, और यहाँ भी साइकिल पर जाओ, लेकिन परिवार साथ में होते, बच्चे होते, यदि बैग होता, उस जमाने में बैग कम हुआ करते थे, अटैचियाँ उठाया करते थे, तो अटैची लेके हम वहाँ से आना जाना करते। तो ये थोड़ी स्टार्टिंग जर्नी थी। और क्योंकि पहले इंजीनियरिंग की थी अपने बीकानेर से, तो मैंने जैसे इसका जन्म हुआ तो मैंने सोचा भी क्या ये डॉक्टर बन सकता है, तो मैंने थोड़ा ख्वाब देखा, उसके अनुसार इसकी अध्ययन अध्यापन में कोशिश की, तो वहीं से इसकी शुरुआत हुई। एक जो बिना लाइट का जो घर है वो
ऐसा नहीं है कि उसमें कोई सुख सुविधाओं की कमी हो, मैं अगर उस घर को देखूं, क्योंकि सब चीजों के लिए वहां पर इस प्रकार की चीजें हुई हुई थी, व्यवस्थाएं हुई थी, जैसे कि घर के पीछे की साइड में कुछ छेद निकाले हुए थे, ऐसे करके कुछ छेद थे जहां से जो एक रहता है हवा जो है वहां से हमें मिलती थी। तो हम क्या है कि मतलब वो जो छेद थे वो एक प्रकार से हमारे लिए जो एक रहता है एसी जो है उसका काम करते थे, क्योंकि जब बरसात का मौसम होता वहां से बड़ी ठंडी ठंडी हवा आती थी, और शाम का वक्त होता ही तो लाइट की जो है वहां पर एसी होती थी व्यवस्थाएं, कि जिसको अपने बोल सकते हैं केरोसिन को दीपक के अंदर डाल के, और दीपक की जो रोशनी थी उसके द्वारा वो लाइट रहती थी। तो कुछ ऐसा हमारा जो एक शुरुआत है वो हुई, और इसी के साथ में मैं इस पहले एपिसोड को पूर्ण करता हूँ। मैं यहीं पर ही अपने जो वाणी है उसको विराम देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस पूरे एपिसोड को सुना। हम आगे आपसे और शेयर करते रहेंगे चीजें, और मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।